हाई गाइज, वेलकम वेलकम बैक टू माई चैनल. दिस इज़ फैशन व्यू चेतना. और आज का वीडियो होने जा रहा है कि बेबी को क्या खिलाना चाहिए. सो ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो था. एंड अभी मेरी बेबी जो है 15 मंथ की हो गई है, तो उसका प्रॉपर डाइट चार्ट मैंने बना रखा है, उसके अकॉर्डिंग मैं खिलाती हूँ. सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने उसको बाहर के कोई सप्लीमेंट्स दिए हैं या बाहर का कोई ऐसा चीज़ यूज़ किया है. मैंने जितना हो सका उसको घर के प्रोडक्ट ही खिलाए हैं, क्योंकि मैं नेचुरल चीज़ों में ज़्यादा भरोसा रखती हूँ कि जितना हो सके आप बच्चा छोटा है अभी तो उसको नेचुरल घर का बना हुआ खाना खिलाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. सो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका बेबी कैसे खाता है. तो बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. कोई बच्चा जल्दी खाना सीखता है, कोई बच्चा लेट खाना सीखता है. बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना चाहिए कि कोई बच्चा हेल्दी है या कोई बच्चा बहुत ज़्यादा स्लिम है. हमें मेन फोकस इस पर करना चाहिए कि जो सही न्यूट्रिशन होता है बच्चों की ग्रोथ के लिए, वो सही मात्रा में सही क्वांटिटी में उनके बॉडी के अंदर जाना चाहिए. उनको परफेक्ट न्यूट्रिशन उनकी बॉडी को मिलना चाहिए. ये मैटर करता है, बच्चा हेल्दी है स्लिम है ये मैटर नहीं करता है. और बच्चा जो है प्रॉपर खाना खाए, बस यही मैटर करता है. सो आप ये बिल्कुल भी नहीं सोचें कि मेरा बच्चा पतला है या मेरा बच्चा मोटा है. सही न्यूट्रिशन जाना चाहिए बॉडी के लिए, जो उनकी ग्रोथ के लिए, जो उनके हेल्दी होने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है. सो बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने 6 मंथ से बेसिकली बच्चों को फूड खिलाना स्टार्ट करते हैं. मैंने 5.5 मंथ में स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आपके बच्चा मतलब रेडी टू ईट हो गया है, तो आप उसको खाना खिला दीजिए. आप वेट मत कीजिए कि वो 6 मंथ का होगा तब मैं उसको खाना खिलाऊंगी. तो मैंने उसका 5.5 मंथ में खाना खिलाना स्टार्ट कर दिया था. सो बेसिकली हमारे घर पे क्या सजेस्ट किया जाता है कि चावल का पानी, मूंग दाल का पानी से आप स्टार्ट कीजिए. तो मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि बच्चा 5 मंथ तक 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग करता है, वैसे तो 1 ईयर तक कराते हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग का टेस्ट होता है उसको, तो वो बहुत ही पतला और बहुत ही मीठा होता है. तो इसलिए उसको मीठी चीज़ से हम स्टार्ट करें तो बच्चा बोर नहीं होता. तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि 6 मंथ में आप बच्चे को सिर्फ फ्रूट एंड वेजिटेबल खिलाएं. फ्रूट्स में आप खिला सकते हैं एप्पल, एप्रिकॉट, पियर्स एंड सपोटा एंड बनाना. ये बहुत ही स्वीट होते हैं, बहुत ही हेल्दी होते हैं बच्चे के न्यूट्रिशन के लिए. तो आप इनको बिल्कुल पतला, एकदम पतला, जैसे मैं क्या करती थी, बॉल में चम्मच लेके या हैंड ग्राइंडर से बिल्कुल पतला मैश करके स्पून से खिलाती थी, तो आप वैसा खिला सकते हैं. और वेजिटेबल्स के लिए पीस खिला, मटर खिला सकते हैं, स्वीट सपोटा खिला, स्वीट पटेटो खिला सकते हैं, पटेटो खिला सकते हैं, तो वेजिटेबल्स को भी एंड लौकी खिला सकते हैं. आप बिल्कुल मैश करके बिल्कुल पतला सा आपको खिलाना है. आप उसमें कोई सॉल्ट वगैरह कुछ भी नहीं, नॉर्मल सी वेजिटेबल खिलाइए. एंड एवरी फूड को, जैसे कि एवरी फ्रूट्स एंड एवरी वेजिटेबल को आपको 3-3 डेज रिपीट करना है, ताकि इससे आपको पता चलेगा कि आपकी बेबी को कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है. फर्स्ट टाइम हम कुछ भी ईट कराते हैं तो उनको एलर्जी के चांसेस रहते हैं. वैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल से कोई एलर्जी नहीं होती है, बट फिर भी आपको टेस्ट करना है. मैंने ऐसे किया था इसलिए. एंड कमिंग टू दी 7 मंथ में आपको क्या करना है कि आपको 6 मंथ में आपको सिर्फ एक ही मील देना चाहिए, आप फ्रूट दो या वेजिटेबल दो. 7 मंथ में आपको एक मील एंड ब्रेकफास्ट देना है, एक मील एंड एक ब्रेकफास्ट देना है. तो मील में आप क्या कर सकते हो कि सपोज आपका बच्चा काउ मिल्क पीता है, तो आप उसको क्या कर सकते हो कि बनाना को काउ मिल्क के अंदर मिक्स करके दे सकते हो. चीकू का जो पल्प होता है उसको आप चीकू शेक बना के दे सकते हो. एंड वेजिटेबल्स, एक टाइम आप वेजिटेबल दे सकते हो, एक टाइम आप काउ मिल्क के साथ ये फ्रूट्स का मिक्सअप दे सकते हो. तो 6 to 7 मंथ का आपको पता चल गया. नाउ कमिंग टू दी 8 मंथ, 8 मंथ में कुछ चेंजेस किए थे मैंने, जिसके लिए मैंने कुछ पाउडर्स बना के रख दिए थे, जैसे ओट्स का पाउडर, मसाला ओट्स तो मैंने ट्राई नहीं किया था. सबसे पहले मैंने प्लेन ओट्स का पाउडर बना के रखा था, रागी का पाउडर बना के रख दिया था, मखाने जो होते हैं उनका पाउडर बना के रख दिया था, बादाम का पाउडर बना के रख दिया था, मूंग दाल का पाउडर बना के रख दिया था, जो प्लेन मूंग दाल आती बिना छिलके वाली, राइस का पाउडर मैंने बना के रख दिया था. इन सब के पाउडर्स मैंने बना के और अपने किचन में रख दिए थे. तो 8 मंथ में क्या होता है कि बेबी को 2 मील्स एंड 1 ब्रेकफास्ट होता है. तो ब्रेकफास्ट में यूजुअली मैं उसका जो 6 एंड 7 मंथ में मैंने दिया था, या तो कोई फ्रूट या फिर काउ मिल्क के साथ कोई फ्रूट का मिक्सचर, वो मैं उसको ब्रेकफास्ट में देती थी. एंड मील के लिए मैं क्या करती थी कि जैसे दिन में मैं फीडिंग नहीं करा रही हूँ, बच्चा भूखा है, तो उस टाइम पे मैं उसको या तो थोड़ा सा हल्दी एंड थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके मूंग दाल को गर्म पानी में बॉईल करके पका के और उसको दे देती थी, या फिर कभी ओट्स को काउ मिल्क के साथ में शुगर डाल के अच्छा सा पका के गर्म करके वो दे देती थी. तो और या कभी गर्म पानी में रागी पाउडर के 2 चम्मच डाल के उसको बॉईल होने के बाद उसमें ऊपर से कर्ड डाल के गर्म गर्म में
गरम गरम में एक चम्मच कर्ड डाल के गरम गरम उसको खिला देती। कर्ड डालने से वो ठंडा नहीं होगा, गरम गरम में आपको डालना। तो इस टाइप से मैं उसको खिला देती थी, मखाने पाउडर के अंदर काऊ मिल्क डाल के शुगर डाल के वो खिला देती थी। तो इस टाइप से मैंने उसका खाना स्टार्ट किया। नाउ कमिंग टू दी 9 एंड 10 मंथ, 9 एंड 10 मंथ में मैंने जो सारी कंटिन्यूस चीज़ें थी उनको फॉलो किया। एंड जैसे कि अभी 9 मंथ का हो गया तो 2 मील्स एंड 2 ब्रेकफास्ट, एक स्नैक्स एंड एक ब्रेकफास्ट, ये आपको चालू रखना है। तो स्नैक्स में मैं उसका क्या करती थी, कोई भी फ्रूट होता था उसको मैश करके खिला देती थी। मॉर्निंग में उसको काउ मिल्क के साथ में फ्रूट को मिक्स करके खिला देती थी। आपको काउ मिल्क के साथ में फ्रूट मिक्सअप करने से उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। एंड 9 एंड 10 मंथ में मैंने उसको एग खिलाना स्टार्ट किया। एग में उसको येलो पार्ट जो होता है उसको मैश करके खिलाना स्टार्ट किया। आप चाहो तो उसमें मिल्क ऐड कर सकते हो, तो थोड़ा पतला हो जाएगा तो वो खिलाने में अच्छा रहेगा, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। एंड जितना हो सके आप 9 एंड 10 मंथ में ट्राई करो कि आप जो घर में चीज़ें खा रहे हो बच्चों को खिलाना सिखाओ, तो बच्चा जल्दी सीखेगा। जैसे आप इडली खा रहे हो, चाहे आप डोसा खा रहे हो, जो भी आप खा रहे हो उसको लिक्विड फॉर्म में मैश करके अच्छे से खिलाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बच्चा अच्छे से लर्न करेगा। और एक टिप मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब बच्चा 4 to 5 मंथ का हो जाता है तो आप उसके सामने बैठ के खाओगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा कि खाना खाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जो भी करते हैं वो बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। तो हम खाना खाते थे तो वो देखती थी हमें, तो वो जल्दी सीखी। तो मतलब आपको लगेगा 5.5 महीने का जब आपका बच्चा हो जाएगा तो आपको लगेगा कि शी इज़ रेडी टू ईट, तो आप अगर उसके सामने खाओगे तो वो जल्दी खाना सीखेगा। तो ये चीज़ मैं आपको टिप बताना चाहूँगी। नाउ कमिंग टू दी 11 एंड 12 मंथ, जो जितना भी प्रोसीजर मैंने आपको बताया वो सेम रखा। अब मैंने उसका क्या करा, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट भी चालू रखा, इवनिंग एंड डे टाइम में जो लंच एंड डिनर होता है हमारा वो भी हमने चालू रखा। बट मैंने कोशिश ये करी कि जो हमारे घर में बन रहा है वो खाए। सपोज़ मैं इवनिंग टाइम में मोस्ट ऑफ टाइम दलिया लेती हूँ जिसको घी शक्कर के साथ खाती हूँ, या मूंग दाल एंड दलिया मिक्स करके जो खिचड़ी बनती है वो खाती हूँ। तो मैंने वो उसके हिसाब से बनाना उसको स्टार्ट किया, तो उसने खाना खाया। और लंच में हम जो चपाती वगैरह जो भी खाते हैं वो मैंने उसको स्टार्ट करवाया, तो वो भी उसने खाना स्टार्ट कर दिया। तो इस टाइप से आपको ट्राई करना है। आप चाहो तो कभी कभी वेजिटेबल की प्यूरी होती है, जैसे कैरेट हो गया या पालक हो गया या जो भी वेजिटेबल्स आपको लगता है इसको मैश करके इसकी प्यूरी बना सकते हैं, तो वो आप उसमें हल्दी एंड थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके आप बच्चे को खिलाने का ट्राई करें। एंड मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि अगर आप 10 मंथ में बच्चे को मिर्ची खिलाना स्टार्ट कर दोगे तो मिर्ची खाना जल्दी सीखेगा। मोस्ट ऑफ बच्चा कोई मीठा की ओर ज़्यादा जाता है, कोई फीका की ओर जाता है, आपको ऐसा नहीं करना। आपको सारे टेस्ट आपको 8 मंथ्स में ही स्टार्ट कर देने, हो सके तो 7 मंथ में ही स्टार्ट कर दो, तो आपका बच्चा सब तरह की चीज़ें खाएगा। अगर आप एक ही चीज़ पर फोकस करोगे, सपोज मीठा तीखा, तो बच्चा उसी की ओर जाएगा। तो आप ट्राई करें कि सारी चीज़ें आप उसको खिलाना स्टार्ट करें, तो आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। अदरवाइज कुछ बच्चा लेट खाता है, कुछ बच्चा ज्यादा खाता है, कुछ कम खाता है, तो वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। एंड आपको एक चीज बताना चाहूंगी, 6 एंड 7 मंथ में बच्चा 1-2 चम्मच या 3-4 चम्मच इतना ही खाएगा, तो आपको पैनिक नहीं होना कि इसने 1 चम्मच खाया 2 चम्मच खाए। अरे वो खाना सीख रहा है, तो आप पैनिक मत होना। एज पर माई एक्सपीरियंस मैं आपको ये सब चीजें बता रही हूँ, तो पैनिक नहीं होना है। 8 मंथ से उसकी थोड़ी सी डाइट पड़ेगी, 9 मंथ में और 10 मंथ में और, जैसे हम बड़े होते हैं वैसे हमारी डाइट भी चेंज होती रहती है, तो उस टाइप से उसकी डाइट चेंज होगी। और एलर्जी होती है, आपको लगता है कि इस फूड से इसको एलर्जी हो रही, तो आपको तुरंत बंद कर देना है, नेक्स्ट फूड की तरफ स्किप होना है। और ये मूंग दाल एंड चावल दाल का पानी प्लीज़ मत ट्राई करना, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। और इसके कंपैरिजन में आप दूसरी चीज़ें भी ट्राई कर सकते हो, तो वो बहुत ही बच्चे के लिए हेल्दी रहेगी। ये मैंने ट्राई किए हैं तो और आपको मैंने बताया है, तो आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड यही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पर ज़्यादा फोकस करना, और इस टाइप से तरह तरह के पाउडर्स बना के गर्म पानी में बॉयल करके आप दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने सेरेलेक बिल्कुल भी नहीं दिया। लोग बोलते हैं अच्छे फ्रूट फ्लेवर के, बहुत अच्छे अच्छे फ्लेवर के सेरेलेक आते हैं, बट मैंने ट्राई किया कि मैं सेरेलेक जैसी ही चीज़ घर पर बना लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप जो बादाम पाउडर बनाते हो उसको आप ओट्स, जैसे कि आपने गर्म दूध किया उसके अंदर थोड़ा सा ओट्स पाउडर का, प्लेन ओट्स जो आता है या मसाला ओट्स जो आता है, मसाला ओट्स को तो आप ऐसे प्लेन पानी में दे सकते हो, लेकिन अगर आप प्लेन ओट्स को गर्म दूध में बॉयल करके अच्छा सा पका के दे रहे हो, तो आप उसमें बादाम का जो पाउडर होता है वो ऐड कर दोगे तो एक एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हो, बादाम पाउडर काजू पाउडर ऐसे मिक्स करना आप देना स्टार्ट करोगे, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ। आप चपाती को भी बारीक बारीक चूर के, जो आपकी रस वाली सब्जी होती है उसमें दबा दबा के ऐसे कर दोगे तो आप उसको दे सकते हो।
तो ये भी बच्चा बहुत अच्छे से खा लेगा, एकदम सॉफ्ट बन जाएगा। तो ट्राई करना 10th और 11th 12th मंथ में कि जो आपके घर में बनता है आप उसको वो खिलाना स्टार्ट करो, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट। तो वैसे तो टीथ आ जाते हैं बट नहीं आते, तो आप उसको सॉफ्ट सॉफ्ट बनाना खिलाना स्टार्ट करो तो बच्चा खाएगा। आप जैसा उसको बनाओगे वो वैसा बन जाता है, डोंट वरी। बट आपको ट्राई करना पड़ेगा, बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। हम लोग बहुत पेशेंस रखते थे, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है, बट इट्स ओके, हो जाएगा। सो पेशेंस के साथ में आपको बच्चों को खाना खिलाना पड़ेगा, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कभी डांस करना पड़ता है, कभी जोकर बनना पड़ता है, बट हाँ फन के साथ में करोगे तो आराम से खाना खा लेगा। सो आई होप आप लोगों के लिए मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। हेल्पफुल रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको इस टाइप के और वीडियोज़ देखने हैं क्या बेबी से रिलेटेड, तो मैं वो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज, बाय बाय।